इस्कॉन मंदिर के सामने बैठा हूँ मैं, और बरसाने से आया तो काफ़ी भूख लग रही थी। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है तो बिल्कुल सामने ही है, तो वहाँ पे मैंने एक कॉम्बो थाली ली है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है वो कॉम्बो थाली, 140 रुपीज़ की है सॉरी, जिसमें नान है, अपना दाल है, मिक्स वेज है, पनीर है और खीरा है, और आपका साथ में अचार भी है। एक चाय मैंने और ऑर्डर करी है, वो चाय अभी आ जाएगी मेरी। तो अभी मैं हूँ प्रेम मंदिर के सामने, आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको कितना सुंदर नज़र आता है ये। ये देख सकते हो आप मेरे सामने मंदिर। जैसे ही मैं एंट्री करने लगा तो गार्ड्स खड़े थे, गार्ड्स बोले कि आपकी स्टिक आपको अलाउड नहीं है। तो सेल्फी स्टिक तो मैंने बैग में रख दी, उन्होंने कहा कि निकाल नहीं सकते आप, तो यूज़ भी नहीं कर सकते। तो आपको मैं दिखाता हूँ कितना सुंदर ये मंदिर बना हुआ है, कितनी अच्छी बढ़िया लाइटिंग है इसकी। अच्छा, श्री गुरुवे नमः। लाइटिंग आप देख सकते हो इसके अंदर, ये थोड़ा सा आगे चल के दिखाता हूँ आपको। ये सारा का सारा एरिया जो है वो प्रेम मंदिर का है। हम थोड़ा सा अंदर चलते हैं, हम दिखाता हूँ आपको। तो ये तो कितना सुंदर लगता है ये मंदिर, बहुत ही शानदार मंदिर है। इसमें लाइटिंग्स चेंज होती रहती है। अभी अभी थोड़ी देर पहले इसमें दो तीन सेकंड पहले पिंक थी, फिर वाइट हुई, अब ऑरेंज हो चुकी है, अब और चेंज हो रही है। वाह, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत है मंदिर। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये अंदर की तरफ जाने का, मंदिर में जाने का रास्ता है। एक बार मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, फिर लाइटिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है इसकी। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, आप देख सकते हो, बहुत ही शानदार। वाओ, अब देखो ग्रीन लाइट्स होगी इसकी। तो अंदर की तरफ चल रहे हैं इसमें। ये पीछे की तरफ एक और मंदिर है, अभी आई थिंक शुरू नहीं हुआ मेरे हिसाब से ये मंदिर, अभी बड़े अभी इसमें तैयार हो रहा है ये मंदिर पीछे। दिखाता हूँ आपको अंदर चल के। अद्भुत खूबसूरती इस मंदिर की। अभी हम मंदिर की ओर चल रहे हैं, मंदिर के तो काफी बड़ा मंदिर है ये। ये आपका ये आप देख सकते हो, अद्भुत झांकियां बनी हुई हैं, बहुत सुंदर है। ये श्री कृष्ण भगवान खड़े हैं अपने ग्वालों के साथ, बहुत अद्भुत। अद्भुत नज़ारा आप इसको बोल सकते हो, गजब। अगर आपने नहीं देखा, अगर आप नए हैं, अगर आपने प्रेम मंदिर नहीं देखा, तो प्लीज़ आई सजेस्ट यू कि आप रात को आओ,
और रात को जो इसकी लाइटिंग देखने का मज़ा है ना, वो शायद कभी नहीं मिलेगा। ये आप दिखाता हूँ आपको, ये कृपालु जी का आश्रम है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अद्भुत। ये हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, मैं आपको पूरा घूम के मंदिर दिखा रहा था। अभी ये काफी बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा, तो अभी इसको देखते चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं अगला जो इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे, झांकी बनी हुई है श्री कृष्ण भगवान जी रास करते हुए, दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखने वाला, मैं खुद हैरान हूँ, बहुत देखने वाला मंदिर है। तो आना तो इस जिसने मेरे को सजेस्ट करा है, कहा है कि आप रात को देखो इसको आगे, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए किस तरह ये मूर्तियां बनी हुई हैं, और ये रास कर रहे हैं धन भगवान जी। और भी दिखाता हूँ, ये खाने पीने का इनका बना हुआ कैंटीन बनी हुई है, युगल विहार उपहार ग्रह। तो अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं तो यहाँ पे अंदर खा भी सकते हैं, कैंटीन बनी हुई है आने के बाद। तो और भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये राधा रानी की तस्वीर बनी हुई है, मूर्ति है। अद्भुत है, अद्भुत। और दिखाता हूँ आपको चल के, ये देखिए अद्भुत मूर्ति श्री कृष्ण भगवान जी की, बहुत ही नायाब मूर्ति, बहुत ही सुंदर मूर्ति, आप देख सकते हो। तो शायद यहाँ पे आके आपको शायद इतना, देखिए मंदिर क्या नजर आता दूर से, मंदिर कितना सुंदर। तो यहाँ पे आप आके देखेंगे तो ज्यादा आपको मतलब ऐसा महसूस होएगा कि आपने कुछ देखा है लाइफ में। और दिखाता हूँ आपको, तो हम जो अब चल रहे हैं वो मंदिर की तरफ चल रहे हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मंदिर में कैमरा रिकॉर्डिंग करने अलाउड हुई, देखते हैं एक बार अंदर चल के, दिखाता हूँ मैं आपको। ओए हो, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ऊपर गोवर्धन पर्वत बना हुआ है, और नीचे श्री कृष्ण भगवान जी अपनी चीची उंगली से उठाए हुए हैं। तो इसकी इन्होंने यहाँ पे झांकी बना रखी है, तो आप देखोगे तो यू कांट बिलीव, बहुत सुंदर, अद्भुत है। मैं दिखाता हूँ मैं आपको चल के, दूर से आपको दिख भी रहा होगा। उससे पहले ये बना हुआ है, बहुत सुंदर पार्क बना हुआ है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान जी राधा रानी के साथ बैठे हैं। दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा क्लोज। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। दूसरी जो झांकी है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो बहुत सुंदर झांकी। तो यू कांट बिलीव, मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते, इतना सुंदर, इतना सुंदर, अद्भुत अद्भुत नज़ारा जैसे बोलते हैं ना, वो है ये। ये कैसे फुहारे चल रहे हैं, ऊपर से पानी गिर रहा है,
पहाड़ों से पहाड़ बना रखा है नीचे, जैसे बंदा हकीकत में पहुंच गया हो। इतना सुंदर है, बहुत सुंदर। तो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, और भी बहुत कुछ है मंदिर जाने, अंदर जाने से पहले। ये विदाउट कट मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ, कोई कट नहीं कर रहा मैं इसके अंदर। और दिखाता हूँ मैं आपको अंदर। ये देखिए, ये प्रेम साधन, मतलब आप कुछ किताबें वगैरह खरीदना चाहते हैं तो आपको यहाँ किताबें मिल सकती हैं। ये देखिए, प्रेम साधन सामग्री है ये। दोनों दिखा देता हूँ मैं आपको। ये अलग से इन्होंने मूर्तियाँ बना रखी हैं, श्री कृष्ण भगवान जी राधा रानी के साथ हैं। ये भी काफ़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है ये। और ये आप देखो, इन्हें आप श्री कृष्ण भगवान कहो, द्वारकाधीश कहो, ये तो जग के पालनहार हैं आप कह सकते हो इनको। इनके बिना तो कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर। ये देखिए अद्भुत नज़ारा। और दिखाता हूँ आपको, अभी तो मैं मंदिर के अंदर नहीं पहुँचा। बहुत सुंदर, ये फूलों से सजे हुए हैं, श्री कृष्ण भगवान जी राधा रानी के साथ बैठे हैं। तो अब मैं मंदिर के अंदर जा रहा हूँ, मैंने आपको सारा मंदिर दिखाया है। तो आप खुद आओगे तो मैं दिखाता हूँ आपको। मैं अब मंदिर के अंदर जा रहा हूँ, तो प्लीज़ ट्रैवल विद मोहित आप सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो ट्रैवल विद मोहित है मेरे चैनल का नाम, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो अगर आप नोटिफिकेशन आपको आती रहे तो सब्सक्राइब प्लीज़ करना मेरे चैनल को। तो अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। ये देखिए मंदिर के बाहर ये हाथी बना हुआ है, बहुत गजराज ही है। ये देखिए मैं अंदर जा रहा हूँ, मंदिर के अंदर जा रहा हूँ, और अद्भुत नजारा मंदिर का, अद्भुत। मतलब शब्द बयां करने मुश्किल है इस मंदिर को लेके। देखिए आप, गजब, मतलब क्या कौन कैसे बयां कर सकता है शब्दों में। जो आंखों से बंदा देखता है वो अलग ही चीज़ होती है। तो आई सजेस्ट यू, मैं आपको कहता हूँ कि आप ज़रूर आओ। तो मंदिर के अंदर एंट्री कर रहा हूँ। बहुत सुंदर, अद्भुत था। अमेरिका और पाकिस्तान सबसे मंगाया। कृष्ण भगवान जी झूला झूलते हुए देख सकते हो, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, राधा रानी के साथ झूला झूलते हुए। तो ये बाहर निकलते वक्त है ये, अगर आप पूरा मंदिर देखते हो जब बाहर निकलते हो तो ये बनी हुई है। तो ये भी मैं बीच में डाल दूंगा। तो बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है, तो ज़रूर आना आप। अद्भुत नजारा।
अद्भुत है, अद्भुत नज़ारा। ये वैसे कैमरा अलाउड नहीं करते, फोन अलाउड नहीं करते। जितना मैं रिकॉर्ड कर सकता था मैंने करा, ये अंदर रिकॉर्डिंग करनी अलाउड नहीं कर रहे थे। ना इन्होंने मेरे को सेल्फी स्टिक अलाउड करी है, ना इन्होंने रिकॉर्डिंग अलाउड करी है। हर जगह इनके गार्ड्स खड़े थे, तो मंदिर में जो गार्ड्स होते हैं वो खड़े थे। बट ये है कि जितना कर सका मैंने करा, अंदर जाके थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करी है। बट फिर से यही कहना चाहूँगा, अद्भुत अद्भुत मंदिर है। मतलब देखने की जगह है। अगर आप वृंदावन आते हो और आप प्रेम मंदिर नहीं देखते तो शायद आपने मिस कर दिया, तो प्रेम मंदिर ज़रूर देखना। बहुत ही नायाब, मतलब आप कह सकते हो कि चीज़ जो बनाई है बहुत ही सुंदर है, बहुत हकीकत में बहुत सुंदर है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कितना प्यारा मंदिर है, लाइटनिंग देख सकते हो, तो हकीकत में बहुत सुंदर है।